हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न टू रन विद एसएस। आज हम आपको कंप्यूटर से जुड़े फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, उसके लिए आपको हमारा पूरा वीडियो देखना होगा। चलिए चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1932 से लेकर वर्ष 1964 तक के बने कंप्यूटर में ना तो कीबोर्ड था और ना ही माउस होता था। नंबर दो, पहला कंप्यूटर माउस लकड़ी का बना था, जिसे सन 1964 में डग एंजेलबर्ट द्वारा बनाया गया था। नंबर थ्री, कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स वेबर्स को कहा जाता है, इन्होंने एक यांत्रिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। नंबर फोर, आमतौर पर एक इंसान एक मिनट में 20 बार पलके झपकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब वो कंप्यूटर के सामने बैठता है तो केवल 7 बार ही पलके झपकता है। नंबर फाइव, किसी टाइपिंग करने वाले इंसान की उंगलियाँ हर रोज 20 किलोमीटर चलती हैं। नंबर सिक्स, अगर इंसान का दिमाग कंप्यूटर के जितना शक्तिशाली होता तो वह प्रति सेकेंड लगभग 4 करोड़ ऑपरेशन करने में सक्षम होता और 35 लाख GB से ज़्यादा मेमोरी सेव कर सकता था। नंबर सेवन, दुनिया की पहली हार्ड डिस्क जिसे 1979 में बनाया गया था उसमें केवल 5 MB डाटा स्टोर हो सकता था, जबकि आजकल तो इससे ज़्यादा MB डाटा एक फ़ोटो खींचने में चला जाता है। नंबर एट, आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि 1 GB की पहली हार्ड डिस्क का वजन एक मगरमच्छ के बराबर था, जिसे 1980 में बनाया गया था और इसकी कीमत $40,000 थी। नंबर नाइन, 1 TB यानी कि 1000 GB की पहली हार्ड डिस्क बनाने वाली कंपनी का नाम हिटाची था। इस कंपनी ने इसे सन 2007 में बनाया था। नंबर टेन, पहला माइक्रोप्रोसेसर इंटेल कंपनी ने 1971 में बनाया था। इंटेल 4004 नाम के इस प्रोसेसर को एक कैलकुलेटर के लिए डिजाइन किया गया था, जिसकी मैक्सिमम क्लॉक रेट मात्र 740 KHz थी, जबकि आज के मार्केट में 8.805 GHz क्लॉक रेट तक के प्रोसेसर आ चुके हैं। नंबर 11, आज के कंप्यूटर का आकार पहले के कंप्यूटर के आकार से काफ़ी बड़ा होता था। पहले के कंप्यूटर लगभग एक कमरे जितने बड़े होते थे। नंबर 12, प्रथम फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार 1917 में हुआ था, जिसकी स्टोरेज क्षमता मात्र 7579 KB थी। नंबर 13, विश्व की पहली हार्ड डिस्क में केवल 5 MB डाटा ही स्टोर किया जा सकता था। नंबर 14, सबसे पहले कंप्यूटर में 45 KB की रैम चिप लगी होती थी। नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि CD, DVD और पेन ड्राइवर से पहले भारी डाटा को आदान प्रदान करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता था। नंबर 16, दुनिया का पहला कंप्यूटर कीबोर्ड का आविष्कार 1968 में किया गया था। 17, तो वही दुनिया का पहला कंप्यूटर मॉनिटर का प्रयोग सर्वप्रथम 1918 में किया गया था। नंबर 18, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले सभी दृश्य केवल 3 रंगों के होते हैं, लाल, हरा, नीला। नंबर 19, दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाले USB हार्डवेयर पेन ड्राइवर्स 1999 में अस्तित्व में आया था, लेकिन इसे बाजार में वर्ष 2000 में उतारा गया था। उस समय इसकी स्टोरेज क्षमता मात्र 8 MB थी। नंबर 20, दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम एस लवलेस नामक एक महिला द्वारा लिखा गया था। उनकी ये इमेज है, जैसे कि आप देख रहे हैं। पहली बार किसी कंप्यूटर में ताश के पत्तों का गेम सन 1990 में चला गया था, जिसे 1989 में इंटर्न वेस चेरी द्वारा डेवलप किया गया था। नंबर 22, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पहला कंप्यूटर वर्ग एक नृत्य किट था। नंबर 23, आपको बता दें कि 1950 के आसपास कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक जेंस कहा जाता था। नंबर 24, क्या आप जानते हैं कि कीबोर्ड किसी एक लाइन से लिखा जाने वाला सबसे लंबा शब्द टाइपराइटर है? नंबर 25, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी 86% लोग USB को उल्टा लगाने की कोशिश करते हैं। नंबर 26, क्या आपको पता है कि विंडोज स्टार्ट होते समय जो आवाज़ आती है उसे एप्पल मैक ने प्रयोग करके बनाई गई थी। नंबर 27, बिल गेट्स के घर का नक्शा एप्पल के मैकिंटोश कंप्यूटर से डिजाइन किया गया था। नंबर 28, संस्कृत को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे बेहतर भाषा माना गया है। नंबर 29, क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला IC चिप सिलिकॉन का बना होता है? नंबर 13,
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2034 तक दुनिया की 47% नौकरियां कंप्यूटर खुद करने ही लगेगा। नंबर 31, आज के डेट में कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं बना है जो कैप्चा को अपने आप ही हल कर सके। नंबर 32, हर साल 30 दिसंबर को कंप्यूटर सिक्योरिटी डे के रूप में मनाया जाता है, तो वहीं 2 दिसंबर का दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 33, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमान का रहा है। नंबर 34, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनियक है। 35, तो वही भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। नंबर 36, क्या आप जानते हैं कि भारत में पहला कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को बंगलौर के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। नंबर 37, भारत में 1970 में तो कंप्यूटर थे, लेकिन आज वर्तमान में हर 2 मिनट में एक नए कंप्यूटर की स्थापना हो जाती है। नंबर 38, कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर राज रेड्डी हैं। नंबर 39, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहा जाता है। नंबर 40, भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम का नाम बेबी डॉल है। नंबर 41, कंप्यूटर के रैम और रोम दोनों ही स्टोरेज डिवाइस हैं। नंबर 42, हार्ड डिस्क की स्पीड 3600 चक प्रति मिनट है। नंबर 43, कंप्यूटर में फ्रंटेंड भाषा का प्रयोग विज्ञान क्षेत्र में किया जाता है। नंबर 44, हर महीने करीब 6000 कंप्यूटर वायरस बनाए जाते हैं। नंबर 45, अब तक लगभग 17 अरब डिवाइस में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा चुका है। नंबर 46, 1964 से कंप्यूटर में कीबोर्ड और स्क्रीन को लगाना शुरू किया गया है। नंबर 47, 1964 में ही सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। नंबर 48, यूट्यूब पर हर मिनट में करीब 10 घंटे की वीडियो डाली जाती है। नंबर 49, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1968 से लेकर 1976 तक यानी 8 सालों तक अमेरिका की न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने वाले कंप्यूटर कंट्रोलर का पासवर्ड यानी कि 80 था। नंबर 50, 1990 के बाद इंटरनेट ने कंप्यूटर को एक नई पहचान दी। यह वह दौर था जब हर घर में कंप्यूटर की जरूरत महसूस होने लगी। अब हमको कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बताएंगे। कंप्यूटर का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है। इसे बनाने का श्रेय आप किसी एक शख्स को नहीं दे सकते हैं। पहली बार कंप्यूटर शब्द 1630 में एक इंसान के लिए प्रयोग किया गया था जो गणित की गणना करने में सक्षम था। शुरुआती दौर में कंप्यूटर एक लकड़ी के रैक के रूप में होता था जिसे अभिकर्ष कहा जाता था। मैकेनिकल कंप्यूटर यानी कि यांत्रिक कंप्यूटर को चार्ल्स वेबर्स ने 1822 में बनाया था। इसी वजह से चार्ल्स वेबर्स को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। तो वहीं अगर बात करें तो पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की, तो इसे जर्मनी के कॉनराड जूस ने 1936 से 1938 के बीच में बनाया था जिसका नाम Z1 था। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की, तो इसे जॉन मोजली और जे प्रेस्पर एकर ने 1943 से 1946 के बीच बनाया था जिसका नाम एनियक था। यह इतना बड़ा था कि इसे रखने के लिए करीब 200 गज जगह की जरूरत पड़ती थी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्यूटर फैक्ट्स हिंदी यानी कि कंप्यूटर रोचक तथ्य और भी जानकारियाँ जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपके पास इसके अलावा और भी कोई रोचक जानकारियाँ हैं, सवाल हैं, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इससे जुड़ी और भी महत्वपूर्ण बातें आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी।